और इस समय अपने दर्शकों को एक बहुत अहम जानकारी देना चाहती हूं, और वह अहम जानकारी यह है कि सुखदेव सिंह घोघाबेड़ी को पाकिस्तान से धमकी मिल रही थी, जिसकी शिकायत भी उन्होंने पुलिस से की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। क्या कुछ कहा जा रहा है वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि प्रशासन का रवैया ढूंढ-ढूंढ है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद आज तक उन्होंने कॉल डिटेल नहीं करवाई, उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि ये कॉल पाकिस्तान की है या कोई फर्जी नेट से कर रहा है। उससे पहले मैंने 5 दिन पहले मुझे भारत के नंबर से धमकी आई, जिसकी मैंने FIR भाड़ा थाने के अंदर करवाने के लिए एप्लीकेशन दी। मेरे को बुलाया जाता है, साइन करवाए जाते हैं, उसकी भी आज तक FIR नहीं। अंकुर त्यागी का मैं रुख कर लेती हूँ। अंकुर, अभी हम सुखदेव सिंह घोघाबेड़ी की वो बाइट सुनवा रहे हैं जिसमें उनको जो धमकी मिली है उसका वो जिक्र कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, और पाकिस्तान से सुखदेव सिंह घोघाबेड़ी को धमकी दी जा रही है समझ से परे है, आप बताइए जरा कुछ। देखिए, उन्होंने अपनी बात को पुलिस के सामने रखा था, प्रशासन के सामने रखा था। 1.5 साल से वो लगातार कह रहे थे कि उनको धमकी आ रही है पाकिस्तान से आने वाली बात। अभी पुलिस कंफर्म करेगी ये वाली बात है या नहीं है, या फिर लॉरेंस विश्नोई गैंग का जो नाम सामने आ रहा है ये है या नहीं है, ये भी इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी तभी कन्फर्म होगा। लेकिन यकीन तौर पर उन्होंने अपनी बात को रखा था और बार बार उन्होंने ये वाली बात कही थी कि मेरे को धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए एक प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो नहीं दिया गया, ये बात भी सच्चाई है। अब क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या तर्क दिए गए थे या क्या पुलिस ने अपनी बात रखी थी, ये तब पता चलेगा जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ से अभी फिलहाल जो पुलिस की प्रायोरिटी है उन दो लोगों को पकड़ना है जो इस वक्त यहाँ से भागे हैं। मैं आपको थोड़ा सा तस्वीर यहाँ से और दिखाना चाहूँगा। ये पूरा जो घर आप देख रहे हैं ये सुखदेव सिंह घोघाबेड़ी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने आप को इन्होंने बने थे, ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के, जो करणी सेना में पहले काम किया करते थे, फिर अलग हुए और उसके बाद इन्होंने ये बनाई थी राष्ट्रीय कार्यालय, ये अपना घर ही बनाया गया था। और जब ये पूरा कांड हुआ तो ये कितने प्लान्ड वे में हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो रखा हुआ है ना, ये बाहर है, ये साफा है, जोधपुरी साफा होता है, और राजस्थान में जब मिलते हैं किसी से तो एक आदर सम्मान की तरह तरीके से ये। Zee News।